नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शुक्रवार को जहां ट्रेनों के माध्यम से लगभग 1100 मजदूर छतरपुर जिले में पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर भी शुक्रवार के दिन काफी आवक देखी गई। बसों के माध्यम से बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर पहुंचे। इसके बाद प्रशासन द्वारा यहां पर भोजन पानी की व्यवस्था की गई और उन्हें भी गंतव्य तक जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया। इस मौके पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे इस बात की सूचना मिली कि बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर पहुंचे हैं, तत्काल उनके भोजन पानी और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया। आए थे ग्वालियर से, ग्वालियर कलेक्टर ने इनको भेजा था। ग्वालियर स्टेशन पे इनकी सभी की स्क्रीनिंग वहां कराई गई थी। यहां से इनको, चूँकि छतरपुर ज़िले के हैं, कुछ पन्ना के हैं, तो इनको डिबोर्ड करा करके जो छतरपुर ज़िले के विभिन्न तहसीलों के वहाँ भेज रहे हैं, और पन्ना ज़िले के हैं उनको आगे भेज रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये उनको आना था 12 बजे के आसपास, ये लेट हो गए, इसलिए इनके खाने वगैरह की इंतजाम पहले से हमें पता था कि आने वाले हैं। कर दिया, मेरी कलेक्टर ग्वालियर से बात मॉर्निंग में हुई थी, परंतु थोड़ा सा उनका जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान है लेट हो गया, तो इस कारण से लेट हो गए थे। अभी ये थोड़ी देर में सब चले जाएंगे। रात में भी कुछ लोग और आएंगे, उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएँ बसेज हैं। परसों 10 को और 11 को छतरपुर दो और ट्रेन आने वाली हैं, जिसमें लगभग 1000 प्रवासी मजदूर और आएंगे। तो ये जब तक बाहर जो फंसे हुए हैं और इनकी स्क्रीनिंग उन राज्यों में हो चुकी है जहाँ ये हैं, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। सेफ्टी के पर्पज़ से यहाँ पर भी इनकी स्क्रीनिंग की जाती है, रेलवे स्टेशन पर भी और यहाँ पर भी, जिससे कि अगर कोई बीच में कोई सिम्टम्स हों तो आइडेंटिफाई हो जाए।